को मैं दिखा रही हूँ मेरा जो वेडिंग का ड्रेस आया, उसकी खूबसूरती देखें। हाँ। है ये मेरा मेहंदी के लिए है, और भी ज्यादा खूबसूरत लेकिन माशाल्लाह हर तरफ बस बिखरी हुई चीजें सारी। अब उसामा उजैर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज क्या मैं दिखा रही हूँ आपको, आज आपको मैं दिखा रही हूँ मेरा जो वेडिंग का ड्रेस आया, साड़ी आई है निकाह के लिए लाइबा के, वो बहीरा से आई है। शाउट आउट टू बहीरा, उन्होंने इतनी खूबसूरत मुझे साड़ी भेजी है जिसका कोई इंतहा नहीं। तो चले मैं आपको दिखाऊं अपनी साड़ी आज, क्योंकि उसका ब्लाउज थोड़ा टाइट करने के लिए दिया था तो वो भी आ गया। तो चले आप देखें, अभी मैं लेकर आती हूँ। चले ये देखें मेरा जो ब्लाउज, इसकी खूबसूरती देखें। हाँ। पहले इसकी इतना मतलब ये खूबसूरत है, नेट पे है, वो है ऑर्गेन्जा पे है, लेकिन ये एक्चुअली जो डिज़ाइन था पूरा कटा हुआ था, लेकिन उनको पता है कि मैं कवर अप पहनती हूँ तो उन्होंने पूरा कवर करके ये भेजा। आप उनसे स्टिच भी करवा सकते हैं और पूरा वो भी करवा सकते हैं, अनसिला भी ले सकते हैं, और ये बहुत लड़कियों अपने हिसाब से बनवा सकती है, मैंने बिल्कुल सिंपल सा उनसे बनवाया। सो ये मेरा ब्लाउज है, यहाँ पे देखें इस तरह करके। उम्मीद है कि आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, ऑब्वियसली जब इसकी पूरी मैचिंग की सारी चीजें पहनेंगे तो उससे और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरा जो है ये जोड़ा, ये जो है ये मेरा मेहंदी के लिए है, लेकिन इसकी शर्ट मेरे ख्याल में ऊपर भूल आई हूँ या उस कमरे में होगी, दोनों में से एक जगह। सो ये उसका पैंट्स है, और दुपट्टा मैं उसका आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही खूबसूरत दुपट्टा है इसका। इसका जो कमीज है वो और भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन दुपट्टा, ये दुपट्टा है खाली, और ये देखे। हाँ, यहाँ से ही कैमरे ने पकड़ा इसका। ओ, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत और दुपट्टा है। ये एक्चुअली हर डे पे चल सकता है, माइयों पे, ग्रीन पे, हर जगह पे। और मैं तो ये पहनने वाली नहीं थी, मैंने लाबा सना से कहा इतना हैवी दुपट्टा मैंने, इतना हैवी काम वाला कपड़े मैं नहीं पहन रही, पर वो लोग माने नहीं। मैं अपना ब्लू वाला जो पहनूं, तो अभी पता नहीं इसका स्टाइल मैं कैसे करूँगी, तो आप भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि मैं इसका स्टाइल किस तरह से करूँ। फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। तो ये है मेरा मेहंदी का दुपट्टा। ये कहाँ से आया? ये भी बहीरा। ये बहीरा, बहीरा मेरे तो तीनों जोड़े बहीरा से हैं। अच्छा अच्छा, माइयों का, मेहंदी का और निकाह का, सना लायबा का माइयों के वहाँ से हैं, दूसरी जगह से। अच्छा। तो बस, और मैं शर्ट ढूंढ के लाती हूँ, अगर मुझे नजर आ गई कहीं, तो नहीं नजर आई तो कोई बात नहीं। और ये देखें, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं बहीरा का एड्रेस www.behira.com, और इनका यही बहीरा ही इंस्टाग्राम है, बहीरा ही टिकटॉक है, तो आप जब भी हम कपड़े पहनते हैं उनको टैग ज़रूर करते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो आप ये ले लें, देख लें, लिख लें दोबारा, जगह जगह पे आप देखें शादी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, नान, बर्तन, प्लेटें, और अल्लाह जाने क्या क्या। जैद हमेशा बैकयार्ड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बैकयार्ड में भी लाइटिंग वगैरह लगनी है, सारा कुछ वो गुजर में जाए पीछे, और बस यही कुछ चल रहा है, बहुत गहमा गहमी है। चायों का दौर दौरा है हर तरफ, बस बिखरी हुई चीज़ें सारी। अब ये देख लें हमारी, और अब डेकोरेशन भी शुरू होने वाली है एक दो दिन में, पूरे घर की, ये सोफे वगैरह हटेंगे, ये सब कुछ, तो फिर आप देख लीजिएगा क्या होगा। कैसे हैं आप सब लोग? चलें आज कहाँ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं उसामा के ससुराल, इनवाइट देने लायबा की शादी की, तो हमने सोचा आप भी हमारे साथ चलें, और उसके बाद जाएंगे मेरी दोस्त जो है मोना, उसके घर भी जाएंगे, तो आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोई खास वो नहीं है, मैं और जैद जाने वाले, पहले लायबा भी जाने वाली थी पर वो नहीं, मेरे ख्याल सना वहाँ पे आएगी, तो चलें देखते हैं किस किस से आपकी आज मुलाकात होती। तो चलें आज आपको मैं बता चुकी हूँ कि उसामा के ससुराल जा रहे हैं इनवाइट देने, और उसके बाद नेक्स्ट वीक मेरा होगा जाना, नेक्स्ट वीक तो नहीं, देखिए किस दिन
के घर जाना होगा, लेकिन आज ड्रिल वही है। सबसे पहले केक उठाएंगे, उनका पसंदीदा शीरी वो फ्रूट्स वाला केक पसंद करती हैं, तो हर एक से मैं पूछ लेती हूँ बजाय वो चीज़ दें कि जो वो खाते हैं। तो हर एक से मैं केक सबके डिफरेंट होते हैं, और तो यहाँ से केक उठाएंगे उनकी पसंदीदा और फिर उनके घर जाएंगे, ठीक है ना जैसे। तो फिर जाके कुछ करेंगे, खाना खाएंगे। हाँ फिर खाना खाएंगे। मैंने तो थोड़ा सा खाना खा लिया था, सना भी आई हुई मेरे ख्याल उसने सना, हाँ, सना का पर काम था शायद, पता नहीं कोई कहा था उसने कि मैं उसके बाद वो घर तो आने वाली है, क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए जाना है। उसामा उजैर और आपके कपड़े जो ऑनलाइन वापस कर दिए ना हमने, तो अब वो दूसरे मतलब वो बिल्कुल ही सूट नहीं किया, आप लोगों को दिखा चुकी थी मेरे, पर वो पसंद नहीं आया किसी को, लाइबा को सना को, तो वो अब रिटर्न हो रहे हैं और पता नहीं होंगे कि नहीं रिटर्न होंगे, लेकिन इनके लिए दूसरे हो रहे हैं। आप पे तो बिल्कुल ही नहीं सूट कर रहे, आपको दे दो जोकर बना देंगे आप। जोकर क्या, इतनी दूर से वो अजीब से रेशमी कपड़े, अजीब चीप क्वालिटी लग रही है। तो बस कुछ नहीं, और केक के ऊपर वही L&M लिखवाएंगे, उनसे उनसे कहिएगा जरा अच्छा सा लिखे, उस दिन तो इतना बुरा लिखा था उन्होंने हमें। लड़की तो वही लिखने वाली, अगर वो हुई तो तुम लेने नहीं गए। केक तो लेना है, लिखवाएंगे नहीं फिर ये करेंगे। लेकिन वो फ्रूट वाले पे तो जगह नहीं होती, नहीं वो एक होता है डिस्क सी होती है, उसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, शीरी ले, फूल भी ले लिए कोई, इतो फूलों के साथ उन्हें फूल भी पसंद आ, शीरी केड़े वाले लिए। हाँ ये कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से, ऐ अच्छा लग रहा है। फूल भी ले सकते हैं सर, कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत हैं। हाँ हो ओरिजिनल है, हाँ पर ऐ वा के ऐ वाला सेम गमला बड़ा वाला लगा वा $24 दा कॉस्को च, इत्थे छोटा इन्ने दा लाया ओ ते उदे च वा कस्टर्ड वगैरह आ जांदा, वो कस्टर्ड वाले नहीं हो वाले जी, ये वाला लेंगे और इस पे लिखवाएं। देखें डैड्स डे आने वाला, फादर्स डे उसके लिए भी दिए हुए ना, फादर्स डे आने वाला नॉर्मली वो चेक करना उस बंदा खा सकता है, ले ले आप खाने के कोई देसी मिठाई तो नहीं लेनी है, कोई शीरी खाती। देखें $14 का ये है केक, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, कभी आप कुछ कस्टम मेड किसी से ना करवा सकें तो ये भी कर सकते हैं, इट्स नाइस गुड आइडिया। चलें एक चाकूटरी ट्रे तो मिल गई, ये साथ ले लें, वो टाइम पे दूर चलेगी आपको, क्यों एंड के बीच में, मैंने कहा एंड बीच में। हां हां थैंक यू सो मच, वो मैं दिखा रहे हो अच्छा लिखा है। नहीं आज उसने अच्छा लिखा है, आज उसने बहुत अच्छा लिखा है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है लाओ। नहीं नहीं वो पकाते हुए मिलाते हैं, आ जाओ लाइबा और उसको काटे, लाइबा और उसको काटे, लाइबा की इनवाइट्स में हमने इतने केक और वो खरीदे हैं, यहाँ पे स्टोर वाले भी अब हमारी शक्ल पहचान गए कि जिधर जो करीबी जिनको देने जाते हैं इनविटेशन, तो केक लेके केक लेके जाते हैं। एज यूजुअल हमने पिक किया केक आज सेम फ्रूट वाला, क्योंकि मुझे पता है उनको भी फ्रूट्स ही अच्छे लगते हैं। और बस ये दुकान तो आप लोगों को जबानी याद होगी होगी, यहाँ से हमने केक ले लेकर फ्रेश केक फ्रेश बनते हैं। एक्चुअली शायद मैंने कल रिजवे प्लाजा पे भी एक शीरनी स्टोर भी देखा, थैंक यू, एक शीरनी स्टोर भी देखा था, मतलब उस पे शीरी बेकरी था। सो आज का जो ये केक लिया गया है ये जैद के और मेरे हम सबके ज्वाइंट ही है, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल अर्ली डेज से क्या कहते हैं, क्या शाहीन फूड फैमिली फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो आज उनके उनके वो घर पे अवेलेबल नहीं थे, तो हमने सोचा उनके स्टोर पे जाके उनको किचन जहाँ पे है वो जाके उनको इनवाइट और केक दोनों दे आते हैं मिठाई के तौर पे, तो इसलिए मैंने कहा आप भी हमारे साथ ही चलें। यम्मी यम्मी बिरयानी बर्गर और निहारी उसे आज और टूट पड़ो बिस्मिल्लाह पड़े। हाय 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 इधर ले तो भरिया पिया सीजन समान तेरा। अच्छा
ये सारी चीजें मैंने लगभग ली पैक करके रखी थी कि प्रैक्टिस पे जाओगी तो लेके। तो बीच में उसामा की कॉल आ गई थी क्योंकि पेंट स्टार्ट हो रहा है। सना की कॉल आई कि आंटी सबा को उसामा का शर्ट भी दे दें, तो ये उसामा की शर्ट है जो मैचिंग उसामा उजैर करने वाले हैं उसके लिए, माइयों के लिए। इसमें गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हुए, लीव्स बने हुए, और प्लेन व्हाइट इसका वो है कुर्ता मतलब शलवार है। जैद की येलो कलर की है क्योंकि जैद मेरे साथ मैच करेंगे, और ये भी मैं भेज दूँ उनको तय करके ताकि वो इस्त्री करवा करवा के रख लेंगे। और ये हो गया पैक। ये लाइबा को मैंने दिए थे डाल के कि चलो बच्चियां आएंगी डांस करेंगी एनर्जी में कमी आ जाती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और ये मैंने रख दिया पैक करके, जैसे बेल बजेगी जैद आपने भाग के जाना है। नहीं मैं भाग के नहीं जाना, भाग के नहीं जाना, यहाँ उठाना और देना। और अब मैं थक गई, अब मेरी चाय भी गर्म कर दे। प्लस मैं आपको दिखाऊं कि हमने ऑर्डर आज उजैर अभी नैप ले रहा है, तो ब्रेकफास्ट में हमने क्या ऑर्डर किया था, ऐसा कर लेते पैनकेक और फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि घर में इतने काम हो रहे थे और साथ में उन्होंने भेजी कि ये देखते हैं सॉस जो पैनकेक्स पे डालते हैं। एक्सक्यूज मी, मैपल सिरप है, ये हाल हो गया, सिरप को सास सास बना दिया, सास बना दिया सिरप को। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे टूटे फूटे ब्लॉग पसंद आएंगे, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूं जो जो मैं कर रही हूं, और जो जो ऑब्वियसली वीडियो में नहीं आना चाहता उसको मैं नहीं लेती हूं, और जो आना चाहता है उसको मैं ले भी रही हूं, और जहां तक मैं दिखा सकती हूं वहां तक मैं दिखा रही हूं। तो आप लोग भी प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करें कि जितना दिखाया जा रहा है उस पर खुश रहें, बजाय कि कमेंट आगे करें उजैर क्यों नहीं आ रहा, लाइबा क्यों नहीं आ रही, उसामा क्यों नहीं आ रहा। तो उसामा सना और ये बच्चियां शाम को तो सब यहीं पे होती हैं, लेकिन आज जरा उनको वहां पे उनके घर की तरफ काम भी था तो उन्होंने कहा वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, और सना ने लाइबा के ऊपर मेकअप भी ट्राई करना था। तो ऑल द थिंग, बस आपने कुछ ऐड करना है? नहीं मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो वो तो तुमने खुद ही कह दिया, क्योंकि क्लिप ओवर इतने अफरा तफरी में कोई अगर डबल भी चला जाता जैसे वो दो तीन ने कहा कि जी आप दोबारा नहीं लगा रहे, दोबारा नहीं लगाया, वो पहले था कि वो वीडियो लगनी नहीं थी तो हाँ। हमने फिर वो भी, ये तो खैर बात पक्की की बात है, ये तो शादी की बातें हो रही है तो पुरानी बात हो जाएगी, उसमें मैंने कोई ऐसा नहीं किया, सोचा है कि पुराना लगाऊंगी, सस्पेंस क्योंकि खत्म हो चुका है। पहले तो सस्पेंस था ना कि पता ही नहीं, अब सबको पता चल गया तो अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं, इसलिए नए क्लिप होंगे। चले आप मेरी बेटी को और हम सबकी बेटियों को बहनों को अपनी दुआओं में याद रखें, और ये बेटियां बहुत दुआएं लेती हैं और वेरी इमोशनल मेरे लिए ये टॉपिक है, मेरे लिए और जैद के लिए। हम कोशिश करते हैं कि आपके पास आके ना रोएं, और वैसे भी ना रोएं, लेकिन जैद अब आप ऐसा करें कि मेरे क्लिप बनाने शुरू कर, जब मैं रोऊं तो 10 सेकंड का क्लिप सारे बना के, क्यों रोना याद ही नहीं रहता मुझे जब वो रोना धोना खत्म हो जाता। और खबरदार के वो मेकअप के साथ अगर तू मेकअप, आपको पता है ना मैंने बात पक्की वाले दिन, मैं मंगनी वाले दिन मैंने मेकअप नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, अलावा मेकअप करूंगी तो सारा भूल जाएगा, तो मेकअप ही नहीं किया था इसी चक्रों में कि वो मेकअप सारा पिघल गया। मैं वो और जो मैं इसमें ऐड करता हूँ कि मेकअप तो बगैर तो ज्यादा बल्कि चंगी लगती है, मेकअप किया ही नहीं करूँ। आई नो, थोड़ी बहुत वो लिपस्टिक क्या वो होता है ब्लश वगैरह थोड़ा कर लिया, बाकी तो मैं जरूरत नहीं मेकअप की। अल्लाह ने लॉट ऑफ वेट, आई एम वेयरिंग स्मॉल साइज पहना हुआ है मैंने इस वक्त ये कपड़ों का, और ये कपड़े मुझे टेलर आंटी ने दिए थे, लाइबा के कपड़े छोटे कराने गए थे तो उन्होंने शगुन के तौर पे माशाल्लाह, और बहुत दुआएं दे रही थी वो लाइबा को। और हम लोग 20,000 स्टेप 15,000 to 20,000 स्टेप कर रहे हैं सिंस 2 महीने जब से पाकिस्तान से आए, उससे मैंने काफी मक्खी नजर आ रही थी तो काफी वेट लूज किया है, उसकी वजह से मेरे चेहरे पे भी इफेक्ट है, लेकिन अब रह गए थोड़े से दिन 10-12 दिन शादी में, तो अब हम ये डाइट वगैरह सब छोड़ के खाने पीने का काम शुरू करने वाले हैं ताकि चेहरे पे फ्रेशनेस आए। थोड़ी सी वीडियो तो तुम्हारी थोड़ा मैं शेयर करूं, ये भी एक सीक्रेट है, कई मरतब आप लोग अक्सर कहते हो कि आंटी योर स्किन इज ग्लोइंग, आपका चेहरा ऐसे चमक रहा, नूर आ गया, नूरानी हो गया। ये इसके अंदर सीक्रेट, मैं आपको ये मजे वाली बात बताऊं कि ये जब थोड़ा सा हेल्दी होना, हेल्दी से मुराद है कि आप थोड़ी वॉक छोड़ देती हैं या एक्सरसाइज छोड़ देती हैं, तो और फिर थोड़ा सा अगर 2-3 पाउंड भी ऐसा लगता है, 2 पाउंड वेट भी अगर गेन किया ना, तो इनका सारा जैसे चेहरे पे आ गया, तो ऐसे
अच्छा जब ये एक्सरसाइज 20,000 स्टेप डेली और इधर उधर चलना फिरना, अब लोग एक ने कमेंट दिया पढ़े अभी भी वुमेन के दायरे, उसको क्या करना, उन्होंने कहा जी इनका आंटी का चेहरा क्या वजह हो गया, बीमार हो गया, चेहरा बिल्कुल डल हो गया। डल नहीं हो गया कि यू हो गया ढल का बोल, वो जब जब वेट लूज करेंगे तो आपकी थोड़ी स्किन जो है वो हो जाती है ना। सो मैंने कहा ये मैं शेयर कर दूं कि ऐसा नहीं है, वैसे अगर ये वेट न किया करें तो ज्यादा अच्छी हेल्दी और माशाल्लाह चेहरा ऐसा चमकता हुआ चेहरा। मुझे ये है कि रिकॉर्ड में ना रह जाए कि मैं मोटी थी, सामान की शादी में मैं पतली थी, लाइवा की शादी में भी और इंशाल्लाह ताला उजैर की शादी में। पहले बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।